राय में शुक्रवार को राधा गोपाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मतदान जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य लोगों में मतदान के प्रति जागरूक करना था। दरअसल राधा गोपाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर बने बूथ पर लिंग अनुपात कम होने की वजह से ऑनलाइन मीटिंग में उप जिलाधिकारी महावन द्वारा मतदान जागरूकता रैली निकाले के निर्देश पर दिया गया था, जिसके चलते प्राथमिक विद्यालय नगला गंगा प्राथमिक विद्यालय राया प्रथम एवं लाला अंबा प्रसाद विद्यालय के बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें लोगों से मतदान के प्रति जागरूक करने एवं मतदान बनन के लिए अपील भी की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए विकास खंड अधिकारी प्रताप रंजन शर्मा ने बताया कि बूथ पर लिंग अनुपात कम होने की वजह से यह रैली निकाली गई है। वहीं उन्होंने कहा कि मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम को फिलहाल 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। क्षेत्र में बीएलओ घरों के लिए पहुंच रहे हैं, क्षेत्रीय लोग आगे आकर मतदान के रूप में अपना पंजीकरण करवाएं। मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है भारत सरकार का, तो हमारे कई सारे बूथ ऐसे हैं जहां पे जेंडर रेशो काफ़ी कम है, तो जिन जिन बूथों में जेंडर रेशो 750 से कम है वहाँ मतदाता जागरूकता रैली निकाल रहे हैं ताकि लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें, और ख़ासतौर में महिला मतदाताओं को, क्योंकि महिला मतदाता जो है अपना जल्दी से जल्दी अपना आवेदन दें और उनको हम जो है नवीन मतदाता के रूप में शामिल करें। तो यहाँ राया में किस क्षेत्र में जेंडर रेशियो कम है? राया में यहाँ चौक है, व्यापारी आना है, इस जगह थोड़ा सा जेंडर रेशियो हमारा कम है कुछ एक दो बूथों पर। तो वहाँ पूरे क्षेत्र में हम निकाले दे रहे हैं ये मतदाता जागरूकता रैली विद्यालय की मदद से, जिससे लोगों में थोड़ा अवेयरनेस आएगी और नए वोटर हमें मिलेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। अच्छा, इसके अलावा मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जो बढ़ा दिया गया है ये कब तक चलेगा? अभी 5 दिसंबर तक की डेट आ गई है, उसके आगे जैसी कोई डेट होगी बताई जाएगी। तो ये बूथ पर ही आवेदन लिए जाएंगे या ब्लॉक पर? तो हम बूथ के अलावा डोर टू डोर भी अपना घूम रहे हैं, कितने हमारे बीएल हुए बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय और डोर टू डोर हर जगह जाके संपर्क कर रहे हैं और उसका रुझान भी अच्छा आ रहा है काफ़ी। हमने अपने जो महावन तहसील का हमारा है वो लगभग पूरे जिले में नंबर 1 चल रहा है इस समय।